ये सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और 50 अराउंड 50 जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। छठा यूनिट है महिलाओं जाति और वर्ग के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई एवं नीतियाँ। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग है तथा उससे संबंधित सभी कॉलेजों के लिए उपयोगी है। साथ ही आप TGT PGT की तैयारी करते हैं सिविक्स से या पॉलिटिकल साइंस से तो उसके लिए भी समान रूप से क्या बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है तो देख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये है कि अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली भारत की पहली महिला का नाम क्या है, तो इनका नाम है आरती साहा, आरती गुप्ता नहीं आरती साहा नाम है। दूसरा क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली सबसे युवा महिला का नाम बताइए, तो ये डिकी डोलमा है, सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि MA पास करने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए, तो ये चंद्रमुखी बोस हैं जिन्होंने MA किया, पहली भारतीय महिला हैं ऐसी। चौथा क्वेश्चन है भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो डॉक्टर बनी, तो ये है कादम्बिनी गंगोली, कादम्बिनी गंगोली। देखिए इतना आप तैयार करते हैं तो समझ के चलिए कि 85 से 90% तक आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच बीच में मैं कुछ अन्य फैक्ट भी ऐड कर देती हूँ जो ज़रूरी रहता है आपके लिए, तो सारे यूनिट जरूर कंप्लीट करके जाएं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है दुनिया भर में जहाज द्वारा परिभ्रमण करने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो इनका नाम है उज्ज्वला राय। छठा क्वेश्चन है भारत की पहली महिला का नाम बताएं जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी, तो ये है श्रीमती मीरा कुमार, 2015 में बनी थी। 17वां क्वेश्चन है पहली महिला जिसने सेना पदक प्राप्त किया, बिमला देवी, लेकिन इसमें डाउट है, मैं इसको स्किप करती हूँ। 8वां क्वेश्चन है अंग्रेजी अखबार की पहली महिला संपादक कौन है, तो दीना वकील है, सही आंसर हो जाएगा बी। भारत की पहली महिला का नाम बताइए जो वकील बनी थी, तो यह है कार्नेलिया सोरा बजी। और 10वां क्वेश्चन है भारत की महिला जो पहली IAS अधिकारी बनी है, तो यह है अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। अगर IPS की बात करता तो वो किरण बेदी है, IAS की बात कर रहा है तो अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा है। 11वां क्वेश्चन है BPL को बीमा सुरक्षा के रूप में जाना जाता है, तो इसमें से कोई नहीं जाना जाता है क्योंकि उसका नाम है राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना। 12 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, ये सब सुमेलित हैं। जो बोनस अधिनियम है, बोनस अधिनियम का भुगतान ये 1980 में जो है आया था, न कि 1971 में। 13वां जो क्वेश्चन है कह रहा है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता है, तो ऑफिस के केबिन में बैठक जो होती है इसको यौन उत्पीड़न में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध करना, यौन संबंधी टिप्पणी करना, खराब शारीरिक संपर्क, ये सारे किस में आते हैं, यौन उत्पीड़न में आते हैं। 14वां क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्भवती महिला कर्मचारियों को कितने सप्ताह का वैतनिक मातृत्व अवकाश मिलता है, ऐसे तो 26 वीक का उनको अवकाश मिलता है लेकिन कह रहे हैं वैतनिक मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का मिलता है, तो 12 सप्ताह का मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2013 में पारित किया गया था। 16वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है, तो अनुच्छेद 19 का 1C जो है ये ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। 17वां क्वेश्चन है बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के तहत एक बाल श्रमिक के रूप में पात्र होने के लिए अधिकतम आयु क्या है, तो देखिए अधिकतम आयु 18 वर्ष है, 14 तो न्यूनतम है। 18वां क्वेश्चन है कर्मचारी भविष्य निधि योजना का निर्माण किसने किया था, तो केंद्र सरकार ने किया था, सही आंसर हो जाएगा डी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है किस वर्ष हुई थी, तो सर्वप्रथम जनगणना जो है 1872 में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो UP है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। 21वां क्वेश्चन है भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से भी अधिक है। 22वां क्वेश्चन है भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था, 1952 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम जो कि सरकार के तरफ से चलाया गया था 1952 में। 23वां क्वेश्चन है शिशु सुरक्षा के संगठन हैं, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, ये तीनों क्या हैं, शिशु सुरक्षा के संगठन के तहत आते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये 1946 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
26 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बच्चों के खिलाफ अपराध कहा जाता है? तो 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को बच्चों के खिलाफ हुआ अपराध कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 511 धाराएं हैं, सही आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नई दिल्ली में है। वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, क्या घोषित किया गया था? तो वर्ष 2001 को भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर कौन है? तो 1098, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बालकों से संबंधित जो है चाइल्ड हेल्पलाइन है ये 1098। 31 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो अक्षय तृतीया को राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, PCPNDT अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो कन्या भ्रूण हत्या से है, इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया? देखिए यहाँ कह रहा है कि रोक लगाई और ये यहाँ कह जा रहा है कि कानून लाया गया और गैर कानूनी घोषित किया गया, तो कोटा ने सर्वप्रथम क्या किया, उसे गैर कानूनी घोषित किया। कन्या वध प्रथा है सॉरी, और ऊपर जो है सती प्रथा है, सती प्रथा पे रोक लगी सर्वप्रथम बूंदी रियासत में, जबकि कन्या वध प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया गया सर्वप्रथम कोटा में, राजस्थान के कोटा में कन्यावध की जो प्रथा है उसको जो है गैर कानूनी घोषित किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया? तो देश के 100 जिलों में प्रारंभ किया गया और इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा से। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है? तो ईरा गॉर्डन ने ऐसा कहा था। 37 नंबर क्वेश्चन है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, ये कथन कैसा है? तो सत्य है। देखिए विकास एक व्यापक अवधारणा है, अगर किसी वृद्धि शारीरिक रूप में मानी जाती है, अगर किसी का शारीरिक वृद्धि प्रॉपर नहीं भी हुआ है तो भी उसका विकास जो है उसका मानसिक विकास और अन्य विकास होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा। वृद्धि और विकास क्या है? तो देखिए वृद्धि और विकास जो है अलग अलग होते हुए भी क्या है, अंतर संबंधित हैं और अंतर निर्भर हैं। अगर वृद्धि पे प्रभाव पड़ता है तो विकास पे भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की लड़कियों की विशेषता क्या है? मध्यम वर्गीय जो कि अधिकांशतः आप होते हैं, तभी तो आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों की विशेषता क्या है? तो लड़कियां स्कूल जाती हैं, सही है, वे नौकरियां भी करती हैं, सही है, बालिग होने पर किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। देखिए कर सकती हैं, एक यहाँ पे संभावना नहीं है, ये नहीं संभावना है, ऐसा नहीं कहा गया है कि हाँ बिल्कुल करती हैं या सभी लड़कियां करती हैं, तो कर सकती हैं यानी ऐसा कर सकती हैं, कानून भी ऐसी मान्यता देता है, तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किन परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है? तो गरीब परिवारों में आज भी लड़कियों की स्थिति बेहतर नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगा दी गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है, विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पारित हुआ? तो 1856 में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1829 में ही बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडल का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो परमहंस मंडल का गठन 1840 में हुआ था, कहाँ का विकल्प भी नहीं दिया है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की जो है स्थापना हुई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जातिगत भेदभाव की बहुत बड़ी विरोधी थे, तो जाति से रिलेटेड बहुत सारी इन्होंने बुक लिखा है, तो आपको नाम ना भी याद है तो आप अंबेडकर जी को लगाएंगे तो मैक्सिमम टाइम वो सही होगा, खासतौर से ग्रेजुएशन लेवल पे। ये नहीं कि अब कंपटीशन में अन्य लोग भी हैं जिन्होंने लिखा है, तो आप जाके लिख कर आएँ UPSC वगैरह के एग्ज़ाम में, ऐसा ना करें। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल इनका नाम था, सही आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे सबसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है, तो जाति प्रथा जो है देखिए एक प्रमुख कारण, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है दोनों ही इसमें,
क्या है सही है। मूक नायक क्या है, 50वां क्वेश्चन है। तो मूक नायक क्या है, एक अखबार था एक जो है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ही। 51 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, सही आंसर हो जाएगा ये इसमें। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, यानी जो जिसमें पारंगत है वो उस कार्य को करे, सबका कार्य का जो है बंटवारा हो। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो वो अमेरिका गए थे। अमेरिका में कहाँ पे, न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राउंड 53 क्वेश्चन हमने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको मिलता रहे, और पहले इतना तैयार करें, फिर जो है आपको लगेगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से 50 या 100 या 200 और जो है जितना मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसका अलग से एक वीडियो लेके आया जाएगा। बाकी जो है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।